करती हूँ अपने YouTube चैनल में। और हमारी आज की जो ब्लॉग वीडियो है ना, आज की ब्लॉग वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। वो क्या खास होगी, आप बस ऐसे बने रहो और बताऊँगी कि आज क्या खास चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं कुछ खास नहीं कर रही, अभी मैं पकौड़ी खा रही हूँ क्योंकि मम्मी पकौड़ी बनाई है, बहुत लड़ाई झगड़ा करने के बाद बनाई है। हाँ, तो अभी पकौड़ी खा रही हूँ, देखिए। और चाय रखी हूँ, चाय बन रहा है मेरा, तो चाय और पकौड़ी खा लेंगे, ठीक है। और फिर आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। पकौड़ी ना, ये पकौड़ी ना मेरी मम्मी बनाई है और मम्मी खा भी रही है, हम चाय बना रहे हैं, ठीक है। और मम्मी खा लिए, मेरा बाकी। तो फ्रेंड्स, पता आज ना बहुत ही खास खास चीज़ें होने वाली हैं। वो क्या क्या होंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं शाम को 6:30 बज रहा है ना, हाँ 6:30 बजे आ चुकी हूँ भैया की शॉप पे, वही पुराना शॉप जहाँ मैं हमेशा आती हूँ, ठीक है। लेकिन इनका शॉप थोड़ा सा चेंज हो गया है, शॉप पहले से छोटी हो गई है और पीछे भी कुछ अलग हुआ है, तो वो हम आपको भी दिखाएंगे कि पीछे क्या हुआ है। और ये भैया वही हैं, जैसे थे वैसे ही हैं, ठीक है। और शॉप छोटी हुई है, तो छोटी क्यों हुई है उसका भी कोई रीज़न है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि पीछे क्या है। यही फॉल है, मिल रहा है। तो ये जो दुकान छोटी थी ना, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे भाभी का पार्लर बना हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। ये शास्त्री नगर कॉलोनी में है और काली मंदिर के जस्ट बगल में है। और ये भाभी हैं, एक सेकंड पे। तो भाभी बताइए, आपके पार्लर में अब क्या क्या चीज़ें होती है बताइए क्या क्या चीज़ें होती हैं मेरी पार्लर में, जो पार्लर में होता है वही सारी चीज़ें होती है, मतलब थ्रेडिंग, फेशियल है ना, मेकअप, ब्राइडल मेकअप, ये सारी चीज़ें ना। तो देखिए, ये सारा कुछ है, बहुत ही सुंदर पार्लर बना है भाभी का। हम पहले भी आ चुके थे लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पाए, तो इसको आज कर रहे हैं। तो ये देखिए, इसीलिए भैया की दुकान छोटी हुई है, क्योंकि भाभी का इसमें पार्लर भी बना है। ये पूरा पार्लर आपको दिख रहा है, आप आ सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। मैं तो यहाँ पे हमेशा आती हूँ, लेकिन पार्लर की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है, लेकिन और मेरे घर में सबको पड़ती है, तो सब लोग यहाँ पे आ सकते हैं, बाकी लोग जिसको भी आना है, ठीक है। और बाकी सिंगार का भी दुकान है, तो आप सिंगार का भी सामान जो भी लेना चाहते हैं यहाँ से आकर के ले सकते हैं। तो फ्रेंड, उस शॉप से मैं आ चुकी हूँ अभी अपने शॉप पर। ये हमारी स्टेशनरी की शॉप है, देख लीजिए, ठीक है, जहाँ मैं हमेशा आती रहती हूँ और आज भी आई हूँ, कुछ काम था इसलिए आई हूँ। और क्या कहते हैं, आज शनिवार था इसलिए मैंने ब्लैक ड्रेस डाला और शनिदेव के पास जोत जलाया, ये सारी चीज़ें करी, और बहुत अच्छा होता है करना। और अगर मैं कहूँ पार्लर की बात, तो पार्लर में मैं कभी नहीं जाती क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है पार्लर की, ना मैं कभी आज तक फेशियल कराई, ना मैं कभी आज तक थ्रेडिंग बनवाई, और ना ही मतलब बाकी कुछ चीज़ें, कोई चीज़ें मेरा पार्लर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बस हाँ, उस दुकान से है, क्योंकि वो भाभी बहुत अच्छी हैं, वो सिलाई बहुत अच्छी करती हैं, मैं जितने ब्लाउज़ सिलवाती हूँ उन्हीं से सिलवाती हूँ। और बाकी भैया की बात करूँ तो वो भी बहुत अच्छे हैं, उनके वहाँ से मैं जितने भी सामान लेती हूँ, सिंगार के या कॉस्मेटिक के सारे सामान मैं उन्हीं के वहाँ से लेती हूँ, नेल पेंट, लिपस्टिक, बिंदी, पाउडर, क्रीम, सब कुछ मैं वहीं से लेती हूँ, ठीक है। तो इसलिए वो शॉप मुझे बहुत अच्छी लगती है। और पार्लर तो पार्लर भी उनका बहुत अच्छा है, अगर आप यूज़ करते हो तो जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप एक बार उनकी पार्लर में जाओ, जाकर के देखो कि उनका मतलब ट्रीटमेंट कैसा है, क्या चीज़ है, सब कुछ काफ़ी अच्छा है। हमारी कॉलोनी में है, हमारे घर के पास है, शास्त्री नगर वालों के लिए बहुत ही पास है, शास्त्रीपुरम वालों के लिए भी पास है, क्योंकि अक्सर जब लोग उस सिंगार दुकान पर जाते होंगे तो जाहिर सी बात है बगल में पार्लर है, तो ज़रूर जा करके देखेंगे, तो ज़रूर करवाइए, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर जाइए पार्लर में, और काली मंदिर के पास जो शॉप खुली है वहाँ पे भी जाइए, भैया भी बहुत अच्छे हैं, सामान भी बहुत अच्छी देते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, आपको ज़रूर जाना चाहिए। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि आपको उनके पार्लर की दिखाऊँ, फ़ोटो दिखाऊँ, और अब भी आज क्या होने वाला है, आज भी अभी और भी बहुत कुछ खास होने वाला है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आज दिखाने वाली हूँ, मेरे आज के ब्लॉग में क्या क्या होने वाला है, और एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ आने वाली है, जिसका मैं इतने टाइम से इंतज़ार कर रही थी, सोच रही थी जाऊँगी 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 पर नहीं जा पाई, तो वो चीज़ मेरे घर पे ही आ गई। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या आने वाला है, क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो आप बस बने रहो, अभी मैं आपको अपने दुकान का टूर करा देती हूँ, आज ही दिखाती हूँ मेरे दुकान में क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी स्टेशनरी की शॉप है, यहाँ पे फेविगम रखा है, फेविकोल रखा है, और ये हमारी दुकान है, आप देख सकते हो, है ना। तो ये सब हमारी शॉप से, यहाँ पेन वैन लगी हुई है, यहाँ पे सिंगार के सामान, मतलब सिंगार नहीं, सॉरी,
यहाँ पे सारा स्टेशनरी से रिलेटेड सामान है, कॉपी किताब पेंसिल रबड़ पेपर ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। हाँ किसको, कितने बजे, कितने बजे? रात के 6 बजे। 6 बजे तो कहाँ है सब प्लानिंग वाले? कौन कौन जा रहा था मारने, कौन कौन जा रहा था मारने ये बताओ। कौन कौन जा रहा था मारने बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। कौन कौन जा रहा था? नहीं नहीं और कौन था जी, और कौन था? ये था उमंग था, ये था, ये था, डुगू भी था। हम तो चल गए थे, तुम्हें हम नहीं थे। अच्छा, तो तुम लोग मारने जा रहे थे? हम तो चल गए थे, सोचे हम चल गए थे, जिसमें मेरा नहीं हुआ। हम मार गए, कौन आएगा मारने? ये डुगू टोलू सब जाएंगे, तुम भी जाओगे? हम मैं छोड़ दूँ, क्योंकि हम डुगू प्लान बना रहा था। और डोलू क्या कर रहा था? ये कहता हाँ हाँ। तो फ्रेंड्स, अभी ना मैं देख रही हूँ मूवी, बहुत ही प्यारी मूवी आ रही है, जय माँ वैष्णो देवी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, और दिखाने वाली कुछ और थी, पर कुछ और हो गया, क्या ही कर सकते हैं। कोई नहीं, वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी, क्योंकि कभी ना कभी तो मुझे पता है आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको भी दिखा देती हूँ क्या आने वाला मूवी आ रही है। ब्लॉग वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो वो जो भी सारी चीज़ें थी जो भी मैंने करा, वो सब कुछ मैंने आपको उसमें शो कर दिया। ठीक है, तो अभी चलते हैं, बाकी आप इस ब्लॉग वीडियो को एंजॉय करो, देखो और बताना आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। ठीक है, तो चलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण। ठीक है, तो चलते हैं, मैं भी जा रही, मुझे काम करना है, सोना नहीं मिल रहा, जा रही काम करूँगी फिर उसके बाद। चलो, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।